हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करूछि आपण माने भलरे अछंती। आउ आजिरो क्लास आपण मानको पई बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो। आमे इंग्लिश रो माराथन स्टार्ट कर दबा। आउ एटा होछि आपणकर फर्स्ट माराथन, जोटा होछि आर्टिकल रु जति कि भी आधेरे क्वेश्चन या जाइछि सबु जाको आपणकर ऑल टाइप रो आर्टिकल अछि आधेरे। ठीक है, जहाँ भी आपणकर आर्टिकल रु जो प्रकार क्वेश्चन पचरा जाय पारे सबु प्रकार क्वेश्चन या देरे निया जाय छे। प्रतिटी क्वेश्चन को जदि आपण माने बुझी छंती डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अछि, ठीक है, ताहाले आपणकर परीक्षा रे केबे हेले भी किंबा जीवन रे केबे हेले भी आपण आर्टिकल भूल करिवे नाही। ठीक है, आउ आर्टिकल होछि बहुत सहज, किछिटा जिनस आपण माने जानि देले कंप्लीट बढ़िया से करि परिवे। आउ आपण माने भाबुथिबे कि एटा बहुत सहज बोली, तेणु आमको तो ओब्वियसली आसिबो। आउ आमे याकु देखिबार किंबा सिखिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, ताहाले मध्ये रॉन्ग, कारण किछि जिनस एमती अछि जहाँ भी आपण माने मे बी जानि नथिबे बा न जानि पारिथांती। तेणु बढ़िया से देखंतु जहाँ जहाँ नुआ जिनस आपण सिखुछंती, जेमती हेले भी आपण ताकु भलसे सिखंतु, मन रखंतु, आउ एग्जाम रे ताकु अप्लाई करंतु। निहाती भाव में आपण ये मस्ट आपण ओ डबल एससी हो, ओ ट्रिपल एससी हो, किंबा रिसेंट जो आपणकर ओटेट हाबक अछि से जो थरे भी आपणकर क्वेश्चन पचारू ना कहीं आर्टिकल रु तो केबे हेले भी आपणकर भूल हबनी। ओके, देखिबा तले फर्स्ट कौन देछि आपणकु क्वेश्चन। द चिल्ड्रेन गो टू डैश स्कूल डेली। देखंतु ए स्कूल डेली, आन स्कूल डेली, द स्कूल डेली, किंबा एठी कि कोनोसी आर्टिकल लागिबो नाही, कौन हो पारे आंसर। जदि आपन को आसुची निहाती भाव रे कमेंट बॉक्स रे यार आंसर दियंतु एठी कौन लागिबो। ठीक है, तले मो आंसर कहूँ। देखंतु एठी स्कूल लागिची, सेंटेंस रे आपन को स्कूल अछि, जोठी भी देखंतु बढ़िया से आकु बुझंतु, जोठी भी आपन को स्कूल थिबो या फिर कॉलेज थिबो या यूनिवर्सिटी थिबो। ओके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, ओके टेम्पल, मॉस्क, ओके, या फिर चर्च, जेल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सब जो प्लेस सब अच्छे ये जगार आपण मैने कौटी द लगेबे आउ कौटी द लगेबे नाही, एटार गोटे ट्रिक अच्छे बढ़िया से जानत। जी बेले आपण को क्वेश्चन रे यही सब जिनस स्कूल हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मस्क, चर्च, जेल, हॉस्पिटल, मार्केट, ताले निहाती भाव आपण गोटे जिनस देखिबे कि जोठी एटा प्राइमरी पर्पस हेथिबो, सेठी जोठी प्राइमरी पर्पस हेथिबो सेठी दर व्यवहार हबो नाही, सेठी दर व्यवहार हबो नाही। आउ जोठी आपणकर सेकेंडरी पर्पस थिबो सेठी आपण दर व्यवहार करिवे। ताले आपणक मनरे गोटे क्वेश्चन आसथिबो एक्चुअली प्राइमरी पर्पस कोनो आउ सेकेंडरी पर्पस कोनो। देखंतु स्कूल, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, जदि पिलाटा स्कूल जाउची ताले सेटा तार प्राइमरी पर्पस, पिला पाई ही स्कूल हेची, से जाइची सबु बडे से जाय पढ़िबा पाई, सेटा होची तार प्राइमरी पर्पस। किंतु जदि अन्य केही जणे स्कूल को जाय कहा को देखा करबा पाई, टीचर मान को सहित कथाबार्ता होबा पाई किबा जे कोनोसी जिंस होई पारे, से स्कूल को पढ़िबा पाई जाउ नाही, अलगा किछि काम पाई जाउची, ताले सेटा होची स्कूल रो सेकेंडरी पर्पस, प्राइमरी पर्पस नुहे। से समय रे जत्ते बड़े प्राइमरी पर्पस होई थाए से समय रे आमे दर व्यवहार करे नाही, जत्ते बड़े सेकेंडरी पर्पस होई थिबो से समय रे आमे दर व्यवहार करे। आपण माने दीटा क्वेश्चन को देखंतु कंपैरेटिवली आपण सिखंतु। द चिल्ड्रेन गो टू डैश स्कूल डेली, देखंतु पिला माने जत्ते बड़े स्कूल जांती सेटा होची तांकर प्राइमरी पर्पस, तेणु एठी कोनोसी आर्टिकल रो आवश्यकता नाही। सो आपणकर ऑप्शन डी नन हे जीवो एठी सटीक आंसर। क्लियर, किंतु परवर्ती प्रश्न देखंतु। हिज फादर वेंट टू डैश स्कूल टू मीट द क्लास टीचर ऑफ हिज सन। देखंतु तले ता बापा विद्यालय को गले, कौन बापा विद्यालय को पढ़ीबा पई जाउछंती की, बापांकर एटा प्राइमरी पर्पस की स्कूल जिबारो, नो एटा होची बापांकर सेकेंडरी पर्पस, आउ सेकेंडरी पर्पस रे आमे सब बेले दर व्यवहार करिबा। क्लियर, प्राइमरी पर्पस रे दर व्यवहार हुए नाही, जदि आपण मानक पाखरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मस्क, चर्च ये सब थाए, ठीक है, आउ सेकेंडरी पर्पस रे आपणकर दर व्यवहार हुए। हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द क्लास टीचर ऑफ हिज सन। ओब्वियसली आपणकर गोटे डाउट एठी क्लियर होइथिबो मो आशा करूची। सो फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर होइजबो आपणकर नन, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल डेली नॉर्मली हबो। सेकेंड क्वेश्चन रे किंतु हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द क्लास टीचर ऑफ हिज सन, सो एठी होइजबो ऑप्शन सी द। सहीपरी भाव में आउ गोटे एग्जाम्पल आम नहीं पार, सपोज करूँ गोटे क्वेश्चन अच्छी,
द कन्विक्ट ट्राए करूँ बुझापी द कन्विक्ट वाज सेंट टू डैश जेल देखते गोटे सेंटेंस लिखाई द कन्विक्ट अपराधी वाज सेंट टू जेल अपराधी को जेल पठागला एटे आपण कहतु कौ आर्टिकल व्यवहार आम करवा द कन्विक्ट वाज सेंट टू डैश जेल देखो जदि से अपराधी पाई ही जेल अच्छी ओके अपराधी पाई ही जेल अच्छी सो अपराधी रो प्राइमरी पर्पस हो जेल जीवा एटी कौन से आर्टिकल आम व्यवहार करवा ना किंतु आउ गोटे सेंटेन्स मुझे कह ट्राए करी देखु सपोज ही वेंट टू डैश जेल ही वेंट टू डैश जेल टू मीट द जेलर देख एटी गोटे आउ गोटे प्रश्न लिखाई ही वेंट टू डैश जेल से जेल को गला कहीं जेलर को मीट करने अर्थात से अपराधी नुहे जेल रे रहापाई जाऊनी से जाइए जेलर को मीट करने तेणु एटा तार प्राइमरी पर्पस नुहे एटा हूँ तार सेकेंडरी पर्पस दैट्स व्वे ये आपन को द लगे पड़ो क्लीयर ही वेंट टू द जेल टू मीट द जेलर ओके जानी पाइले आई होप आपण फर्स्ट आउ सेकेंड क्वेश्चन रे किछि भी डाउट नथिबो सही परि भाबरे गोटे गोटे ट्रिक सहित जीवा आमे केबे हेले भी जीवन रे आपण माने आर्टिकल को भूल करिबे नाही ओके मुव करबा नेक्स्ट क्वेश्चन को डैश सन इज डैश स्टार आसुचि जदि आंसर दियंतु कमेंट बॉक्स रे डैश सन इज डैश स्टार कौन हबो एठी अछि सन होची ब्रह्मांड रे गोटे आमर जो पृथ्वी रे आम जहाँ भी देखुचे सूर्य को पृथ्वी उपर ताले आमको गोटे सूर्य देखा जाउछंती तेणु एटी आमर सूर्य ही गले यूनिक ओके जोठी खास जिनस यूनिक जिनस थाए स्पेशल जिनस थाए से आम दर व्यवहार करथौ ठीक है प्लानेट पूर्वर रिवर पूर्वर ओशियन न्यूज पेपर डेजर्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रेन नेम तापर होली बुक्स ठीक है ये सब आगे नॉर्मली आम दर ही व्यवहार करथौ ताले एठी सन होची कौन गोटे यूनिक जिनस दैट्स व्वे द सन एठी होचिबो करेक्ट आंसर इज दिया स्टार स्टार होची कॉमन बिकॉज अनेक स्टार अछंती एठी कोनोसी यूनिक कथा नाही दैट्स व्वे एठी होचिबो द द सन इज अ स्टार ओके देखंतु कोठी अछि द अ ऑप्शन बी रे ओके द सन इज अ स्टार आई होप आपण माने को ठीक करथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा He has secured Dash third position in the class. तले देखो तो ठीक third लिखा है जी. जो ठीक भी आपनों को position देखी बाकी मिली बो. First, second, third, fourth, fifth, etc. एठी सब बड़े दौर व्यवहार करा जाए. ठीक है ना? दौर व्यवहार करा जाए. सत्य पे आपनों का option C ही जी बैठी. सही आंसर. Next question को देखिबा. Karan was Dash strongest person in this group. चलिए देखो एटी पर्सन टा केमती अच्छी स्ट्रंगेस्ट अच्छी अर्थात यहाँ हूँ स्ट्रंगेस्ट हूँ गोटे डेस्क्राइबिंग वर्ड बाटा हूँ गोटे आडजेक्टिव आउ ये आडजेक्टिव्र सुपरलेटिव डिग्री अच्छे ना ना आडजेक्टिव्र नर्माली केतटा डिग्री थाए तीन टा डिग्री थाए गोटे हूँ पॉजिटिव सेकेंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव ठीक है ना एटी स्ट्रंग फर्स्ट पॉजिटिव रे जो थी जणकर विशेषता जना पड़े स्ट्रांग आउ जेते बड़े आमे दुई जण का मध्ये तुलना करूँ से समय रे आपण कंपैरेटिव डिग्री आसे सेटा हि जीव स्ट्रांगर आउ जेते बड़े सुपरलेटिव डिग्री करा जाए दैट मीन जणकर तुलना समस्तंकर सह करा जाए होल समस्तंकर सहित जदि जणकर तुलना करा जाए ताले सेते बड़े सुपरलेटिव डिग्री लागे आउ सबु बड़े सुपरलेटिव डिग्री सहित द र व्यवहार करा जाए द स्ट्रांगेस्ट ओके ब्रेव ब्रेभर ब्रेभेस्ट बुझे ताले द स्ट्रंगेस्ट जेहेतु सुपरलेटिव डिग्री अच्छे तेणु आम दर व्यवहार करवा सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डैश गंगा इज अ होली रिवर वेरी इजी क्वेश्चन देखु ये गंगा दे गंगा इज आपणकर यहाँ हो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर यहाँ हूँ गोटे नदीर नाम ठीक है यहाँ हूँ गोटे यूनिक नेम आउ सब बड़े यूनिक नेम रिवर नेम
प्लानेट ओशन न्यूजपेपर ट्रेन नेम हो न्यूजपेपर नेम हो तबरे पवित्र ग्रंथ मानकर नाम हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुपरलेटिव डिग्री डेजर्ट ये सब ना पूर्व सब बेले दर व्यवहार करा जाए सो द गंगा इज अ पोली रिवर नेक्स्ट द फैमिली विल विजिट द्यास ताजमहल टुमरो देखो ताजमहल अच्छी ताजमहल हूँ गोटे यूनिक मन्युमेंट ओके आउ यूनिक जिनस पूर्व सब बड़े आम द व्यवहार करूँ ओके सो ऑप्शन सी द इज करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मैन इज मॉर्टल ट्राई करने को ट्राई करूँ आपण मैंने कहवापी चेष्टा करूँ डैश मैन इज मॉर्टल कौन लगे देखु एटी जो मैन अच्छी ये हूँ संसार समस्त मैन ठीक है जड़े मैन को कथा कह जाऊ जिते बड़े संसार सबू लोक दुनिया समस्त कथा कह जाए सबू मैन कथा कह जाए से समय कौन से आर्टिकल लग जाए ना सिंपली मैन इज मॉर्टल सो आम ऑप्शन डी सहित जीवा कि एक्सप्लेन करने चाहिए जदि था डैश मैन हेल्प्ड मी देखो डैश मैन हेल्प्ड मी देखो एटी जो मैन अच्छी जड़े लोक मत हेल्प कला यार अर्थ सेटा ना ना एटी दुनिया समस्त लोक कथा कह जाऊ सो आम एटी नॉर्मली ए किंबा आन व्यवहार करवा ना ना ताले ए आन व्यवहार कला बेले म साउंड आसुची मैन रो साउंड आसुची आउ म होची कंसोनेंट साउंड सो आम एटी ए व्यवहार करवा आन व्यवहार करवा ना अ मैन हेल्प्ड मी सही भरी भाव रे जदि आउ गोटे क्वेश्चन होता डैश मैन हु हेल्प्ड मी डैश मैन हु हेल्प्ड मी वाज राम ओके एटि आपण कौन व्यवहार करेंगे एटि आपणकर हु लगी से लोक जी कि मत हेल्प करथिला से हो से थिला राम ताले एटि आपण दर व्यवहार करेंगे बुझे कारण आपठी पर्टिकुलर से लोक को कौन डेफिनाइट हो पर्सन सो डेफिनाइट आर्टिकल दर आम व्यवहार करवा बुझे यही मैन सहित डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल केमती लगुं से माइंड रखे ओके एटी ये मैन अर्थ गोटे पर्टिकुलर मनुष्य नुहे ये मैन हूँ दुनिया समस्त मैन सो किसी आर्टिकल ये लगे ना कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड बढ़िया क्वेश्चन कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड आन स्विट्जरलैंड द स्विट्जरलैंड ना किसी आर्टिकल लगे ना देखो एटी दीटा जगह मध्य तुलना करा जाउछि ठीक है दीटा जगह मध्य तुलना करा जाउछि जेतिकी बेले तुलना करा जाए अर्थात कश्मीर रो गुण गुड़ाक कहाँ सहित लगुव मिसुव स्विट्जरलैंड रो गुण सहित से आम सिंपली कहीपर कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड से हीपरी भाव में आउ गोटे क्वेश्चन हो पारे सपोज रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर देखु सचिन तेंदुलकर यार अर्थ रोहन रो प्रायतः जी गुण से सब गुण सचिन तेंदुलकर रो गुण सहित मिसुची अर्थात जमीती सचिन तेंदुलकर बढ़िया क्रिकेट खेलती थे कि रोहन भी सेमती परिका क्रिकेट खेले से लोक मैंने कहते रोहन इज अ सचिन तेंदुलकर अर्थात ये नुह कि रोहन हूँ सचिन तेंदुलकर यार अर्थ हूँ सचिन तेंदुलकर परिका गुण रोहन पाखे अच्छी से हीपरी भाव में आम कह कश्मीर इज अ स्विट्जरलैंड अर्थात स्विट्जरलैंड जमी एनवायरमेंट अच्छी से हीपरी भाव में कश्मीर एनवायरमेंट अच्छी बुझे सो आपणकर ऑप्शन ए हो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया ए आन द ना किसी लगे ट्राए करूँ करने से हीपरी भाव में या जमा भी ट्राए करेंगे ना कारण देखो ये ऑफ लगी जदि होता कालिदास इज डैश शेक्सपियर ताहले होता अ शेक्सपियर बट एटी कौन लिखाई कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया ठीक है ताले आंसर इज द ओके कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यार अर्थ हूँ सी होती भारत शेक्सपियर कह जाए
ଯେହେତୁ ଅଫ୍ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ଲଗେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାଶ୍ମୀର। ଏଇଟା ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଏହିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଉପରେ କରିଛେ, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇଜ୍ ଅ କାଶ୍ମୀର, ଓକେ। କାରଣ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ସେ କାଶ୍ମୀରର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଦ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଫ୍ ଲାଗିଛି, ସୋ ଡେଫିନାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ହି ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଲେଜ୍, ଏ ଆନ୍ ଦ ନା କିଛି ଲାଗିବନି। ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ନଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ନା ନାହିଁ। ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଭାବବାଚକ ସଂଜ୍ଞା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ସଂଜ୍ଞାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଚକ ସଂଜ୍ଞା ବା ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମର ନଲେଜ୍, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସ୍ୟାଡ଼ନେସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଓନ୍ଲି, ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି। ୟା ଫିର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗର ହେଇଯାଏ, ଆଙ୍ଗର, ଲଭ୍, ଆଫେକ୍ସନ୍, ପଭର୍ଟି, ଠିକ୍ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଆଉ ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍କୁ, ଇମୋସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଗଣିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍, ଆଉ ଅନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଗଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଆଉ ଆନ୍ର କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି ନା, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଇଏ ସବୁ ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ହେଉ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବାନି, ସୋ ଏ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ରହିଗଲା କ'ଣ, ଦ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍, ତା ସହିତ କେତେବେଳେ ଦ ଲାଗିପାରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦ ନ ଲାଗିପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କଥା କୁହାଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦ ଲଗେଇଦେବା, ସେ ମାଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ଥାଉ ବା ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ଥାଉ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କଥା କହିଲା, ଗୋଟେ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଜିନିଷ କଥା କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଜେନେରାଲ୍ କଥା କହେ, କୌଣସି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜିନିଷ ନ କହି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ କଥାଟା କହେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହି ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଲେଜ୍, ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏ ଆନ୍ ତ ଆପଣ ଲଗେଇବେନି, ରହିଗଲା କ'ଣ, ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ହାଜ୍ ନଲେଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ, ନଲେଜ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ, ସୋ ଏଠି ହେଇଯିବ ହି ହାଜ୍ ନଲେଜ୍ ଓନ୍ଲି, ଏଠି ନୋ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହେବ, ସୋ ନନ୍, ଓକେ। ବଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକ୍ସର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ହେଇଗଲା ବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ହେଇଗଲା, ଖାସ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା ନଲେଜ୍ କାହାର, ଫିଜିକ୍ସର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ହେଲା। ସୋ ଏଠି ହେଇଯିବ ହି ହାଜ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସ, ଦ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍, ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେବେ ହେଲେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଭୁଲ ହେବନି, ଠିକ୍ ହେଲା। ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର୍, ୱାଟର୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କଥା, ସେମିତି ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆସେ ବହୁତ ସାରା, ଠିକ୍ ହେଲା। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଟେରିଆଲ୍, ଯାହା ତା ଦେହରେ ୱାଟର୍ ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲ୍କୋହଲ୍ ଆସିପାରେ, ଅଏଲ୍ ଆସିପାରେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆସିପାରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍, କପର୍ ଏସବୁ ଆସିପାରେ। ନନ୍ ମେଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ରବର୍, ଇଏ ସବୁ ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍, ସେହିପରି ରାଇସ୍, ସଲ୍ଟ, ଇଏ ସବୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ମଟେରିଆଲ୍ ନାଉନ୍। ୟାକୁ ଆମେ ୟାର ମାତ୍ରା ମାପିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନ୍କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍, ତେଣୁ ଏ ଆଉ ଆନ୍ର କଦାପି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରହିଗଲା କ'ଣ, ଦ। ଯେମିତି ଆବ୍ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ସେମିତି। ଯଦି ଆଦେହରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କଥା କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ନୋ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଟର୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ୱାଟର୍ ହେଉଛି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍, ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ। ବଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି
गेव मी क्विच लगी जोटा को से देखा अर्थात एटि वाटर अच्छी बट एटि दर व्यवहार आप करेंगे ओके आई हाव द वाटर क्विच हि गेव मी जहाँ से देखा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्यास मदर ऑफ करीना वाज प्रिपेयरिंग फूड ठीक है कौन लगी एटी मदर लगी ना नहीं मदर ताले कौन लगे ए लगे ना आन लगे ना द ना नन किसी लगे कौन कहतु ताले मदर ऑफ करीना देखो ये पर्टिकुलर हो जाए करीनार मामा ओके संसार रे अनेक मदर अच्छा जदि होता सी ड्यास सॉरी सी हाज ड्यास मदर देखो जदि क्वेश्चन था सी हाज ए मदर ही था ना नहीं तार गोटे माँ अच्छी एटी मदर पाखे आम ए लगे बट एटी कौन है ना पर्टिकुलर करीनार मदर कथा कह सो आम दर व्यवहार करवा ओके एटारे करीना मदर कथा कहतीपाई द परवर्ती प्रश्न हि हाज ड्यास मदर सिंपल हि हाज अ मदर ओके अ मदर आई हाव हिडन ड्यास पेन व्हिच हि गिफ्टेड मी आई थिंक एपर्तंत आपर डाउट क्लीयर हो डेफिनेटली 19 नंबर आंसर आपदे कमेंट बक्स में जनातु कौन हम आंसर आई हाव हिडेन ड्यास पेन व्हिच लगी सेटा से पेन जोटा कि तुम्हें मत गिफ्ट कर कौन हो द पेन व्हिच लगी ओके ताले आंसर हो द अच्छे ऑप्शन सी रे व्हिच लगू कि दैट लगू ठीक है कू लगू ये सब क्षेत्र में आम दर व्यवहार कर था नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यास एफ आई आर व्हिच यू लॉस्ट अगेंस्ट हिम वाज फॉल्स एटी अच्छी व्हिच सो ये द एफआईआर जो एफआईआरटा को तुम लॉज कर खिलाफ से कौन थी भूल थी ओके से ही क्वेश्चन एटी अच्छे एफआईआर कौन करेंगे बढ़िया क्वेश्चन देखु दीटा को कंपेयर करूँ एटी कौन अच्छी डैश एफआईआर हाज बीन लॉज्ड अगेंस्ट यू तुम खिलाफ रे तुम विरुद्ध रे गोटे एफआईआर दर्ज करा जाए ठीक है तले एटी आपण मैंने कौन करेंगे ए ना आन ना द ना कि व्यवहार करें कहतु एटी एफआईआर अच्छी एटी आपण मैंने से जो छोट बड़े शिक्षा दि जाए ए आई ओ यू ठीक है ए आई ओ यू से बिल्कुल भी रॉन्ग बिल्कुल भी भूल जिनस आपण मैंने देखिए उच्चारण ओके जो भी स्वरवर्णर उच्चारण होड़िया वर्णमाला जो स्वरवर्ण रही अ आ ई उ आपणकर ओ ओ पर्यंत जदि आपणकर उच्चारण हुए सेतबेले आपण मैंने से आन व्यवहार करेंगे जदि आपण व्यंजन वर्णर उच्चारण देखुं से समय आपण आखि बजिकीटा को कौन करदे ए करदे बट एटी कंडीशन अच्छी से द लगिपे कि ना जदि द लगिपे तो ए आम को छाड़ी आप द लगे जदि से द लगभग कौन सी कंडीशन ना तो आप ये दुटा जो रूल अच्छी से स्वर साउंड आसूना व्यंजनर साउंड आसुसार आप ए कि आन लगेदेवे एटि देखु कौन अच्छी एफआईआर एटी आपड़ा फिर पढ़ुना फिर पढ़ुना आप फिर पढ़ुंट कि फिर पढ़ले फर्स था आप ए फिर लिखि था किंतु आप फिर या पढ़ुना या आप पढ़ुंट एफ एफ आई आर ओके एफ आई आर ए ए एफ 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 मीन ए साउंड तेले अ साउंड ए साउंड ये सब बाहर आपंकर स्वरवर्णर साउंड ठीक है स्वरवर्णर साउंड अर्थात आपड़ एटी आन लगे ओके आन एफ आई आर हाज बीन लॉस्ट अगेंस्ट यू ओके सो आपणकर ऑप्शन बी हो गला एटी करेक्ट आंसर बट एटी जिते बड़े आपड़ देखुं एटी भी आपड़ भाभी था कि आम आन लगेदेव बट एटी व्हिच यू लॉस्ट अगेंस्ट अर्थात एटी कौन दे रिलेशन देना अर्थात ये आपंकर रिलेटिवली यूनिक हो गला एटी खास हो गला से द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हाव ड्यास वन रुपी नोट ए वन रुपी नोट आन वन रुपी नोट द वन रुपी नोट और कौन से आर्टिकल लगे ना आंसर जमती हेले भी 22 नंबर आंसर आप ऑप्शन रे दिंतु कमेंट बॉक्स रे देखो एटी कौन लगी वन रुपी वन वन हो साउंड एटा अ साउंड नुहे एटा हूँ व साउंड आ व हो स्वर साउंड नुहे व हो व्यंजन वर्ण साउंड
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ ଅ କରିବେ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ୱାନ୍ ରୁପି ନୋଟ୍ ଓକେ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେୟର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ବାସ୍କେଟ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଅରେଞ୍ଜ ଅ ଅରେଞ୍ଜ ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ତାହେଲେ ଅ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ ହେଇଯିବ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଓକେ ଆନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ସାଉଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ ଲେଟର୍ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ ହି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ତାହେଲେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାନେ ହ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆଉ ହଟା ସ୍ୱର ସାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାଉଣ୍ଡ ତେଣୁ ଅ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଓକେ ଅ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆୱର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ମୀ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱର୍କ ଆୱର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱର୍ ଓକେ ଆ ଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ହାୱର୍ ନୁହେଁ ହା ନୁହେଁ ଆ ସୋ ଏଠି ଆନ୍ ଆସିଯିବ ଆନ୍ ଆୱର୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ମୀ ଟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ୱର୍କ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋହିତ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ଓକେ ଅନ୍କାଇଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ ଅନ୍ ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ ଅନ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଓକେ ଭୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଭୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଦରକାର ଓକେ ଅନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଜନୀସ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଚର୍ ଅ ଅନ୍ ଦ ନା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ୟ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ୟ ନଟ୍ ଅ ଯେହେତୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୟରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କନ୍ସନାଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ବୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ସୋ ଏଠି ଆପଣ ଅ ଲଗେଇବେ ରଜନୀସ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଅ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟିଚର୍ ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ହିୟର୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଇ ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଲି ଏଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆଉ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାଉଣ୍ଡ ବା ଭୱେଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ୍ ସୋନିଆ ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ ଓକେ ସୋନିଆ ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏ କିମ୍ବା ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏଠି କାର୍ ହେଉଛି କ ସାଉଣ୍ଡ ଓକେ କାର୍ର କ ସାଉଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଲଗେଇଦେବା ସୋନିଆ ହାଜ୍ ଅ କାର୍ ଓକେ ଯଦି ଡେଫିନାଇଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ୟୁନିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଦ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ କାର୍ ଓକେ ଆଇ ହାଭ୍ ଅ କାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଓକେ ଅଫ୍ ଲାଗିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଦ କାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତମ କାର୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଇଗଲା ଓକେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ମି ୱିଚ୍ ୟୁ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ମି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ୱିଚ୍ ଲାଗିଛି ତ ଆଇ ହାଭ୍ ଦ କାର୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ମି ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ ବିଲକୁଲ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 30 ନମ୍ବରରେ ଆଇ ହାଭ୍ ଦ କାର୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ଗିଫ୍ଟେଡ଼୍ ମି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆଉ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ହାଭ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଭ୍ ମି ଆଇ ହାଭ୍ ଅ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ନା ଏଠି କୌଣସି ଆର୍ଟିକିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଆନ୍ସର୍ କଲେ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲି 100% ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଲର୍ଟ କରିକି ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଯେତିକି 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସବୁଯାକ ରୁଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସବୁଯାକ ଏମିତି ମାରାଥନ୍ ନେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ ଧନ୍ୟବାଦ